हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा जेटली। आज मैं आपको बहुत ही ऑसम सा हेयर कट बताऊंगी और आप जैसे देखो इनका लॉन्ग हेयर है और इस पर हम शॉर्ट करेंगे इनका, और इतना लॉन्ग है और इनको इतना शॉर्ट कराना है। तो चलिए हेयर कट करते हैं और आज हम आपको बहुत ही इजी सा लॉन्ग हेयर पे कटिंग बताऊंगी और इस कटिंग का नाम है पोनीटेल हेयर कट। तो पहले जितना लेंथ इनको कट करानी है उतना हम लेस हेयर निकाल देंगे। आप लोग जितना क्लाइंट्स आपका कहे कि हमको इतना लेंथ रखना है तो आप उतना पहले उसे थोड़ा सा नीचे आप उतना निकाल दो। तो ये हमने हेयर कट कर दिया और आप देखो कि इसी तरह से स्ट्रेट भी हो गया बाल, अगर स्ट्रेट कराना, और ये इतनी के बाल कट गए और इसको हम बांध के रख देंगे। और आप देखो इस तरह से स्ट्रेट भी हो जाता है और थोड़ा सा फिनिशिंग की ज़रूरत होगी, आप इस तरह से स्ट्रेट हेयर कट भी कर सकते हो, बाल पकड़ के इक्वल कट कर दो। अब हम क्या करेंगे कि पहले ईयर टू ईयर हेयर को डिवाइड कर देंगे। बहुत ही इजी है और बहुत ही इजी तरीके से आप कर पाओगे। इनका बाल घना है तो हमने क्या किया है कि बालों को कान के पीछे से लिया है। अगर बाल हल्का होता तो कान के आगे से लेते। आपको हमने ये कई बार बताया है कि अगर बाल आपके क्लाइंट्स का हल्का है, लाइट है, हेयर है, तो आप कान के आगे से लोगे। अगर हैवी है, थोड़ा अच्छा बाल है, तो आप कान के पीछे से ले सकते हो। तो इनका बाल अच्छा है तो हमने इनका थोड़ा सा कान के पीछे से ले लिया इस तरह से। और आगे के बालों को हम पहले क्लिप कर देंगे, अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने दो सेक्शन में बालों को डिवाइड कर दिया है। मिड की मांग निकाली थी और दो सेक्शन में हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया। ये सेक्शन कहलाएंगे। इधर उधर हमने दो भागों में बांटा तो ये दो सेक्शन हो गए, एक और वो दो, और ये बीच पीछे का तीन। अब हम क्या करेंगे कि क्राउन एरिया से बालों को उठाएंगे और इसमें हम अच्छे से क्लियर उठाएंगे, मतलब मांग को अच्छे से डिवाइड कर देंगे इस तरह से, ऊंचा नीचा ना हो, बराबर से हो, गोलाई से। और इसमें हम क्या करेंगे, पोनी टेल बना देंगे। पहले हमने पूरे बाल उठाए और ऊपर ले गए और इस तरह से हमने पोनी टेल बना देंगे इसमें। तो आप देखिएगा कि काफ़ी इजी है। आप कोई भी बैंड लगा लो, रबड़ बैंड लगा लो, आप कुछ भी इस तरह से टाइट सी आप थोड़ा सा बना लो। एक आपका ये हो गया, ठीक है। अब उसके नीचे के बालों को हम लेंगे, तीन भागों में हमने बालों को डिवाइड किया, ठीक है। इसमें भी हम पोनी बना लेंगे, इसको भी हम अच्छे से डिवाइड करेंगे। बालों को जो डिवाइड करने का है वो आप इक्वल करिएगा, यानी कि ऊपर वाला ज़्यादा घना ले लिया और बीच वाला कम घना लिया और नीचे वाला बहुत ही पतला छोड़ दिया। तो आप बालों के हिसाब से देख लीजिएगा कि बाल कितने घने हैं, उसी हिसाब से तीन भागों में बांटना है बालों को, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ गए, बालों को तीन भागों में बांटना है। तीनों की जो मोटाई है बालों की वो बराबर रखिएगा, यानी कि ऊपर वाले में पोनी में ज़्यादा बाल ले लिए, बीच वाली में कम बाल लिए और नीचे बिल्कुल ही पतली से बाल छोड़ दिए, ऐसा ना करिएगा। अब ये जो नीचे के बाल हैं इसमें हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, बालों को दो भाग में बांट दिया, बीच से हमने मांग निकाली नीचे की तरफ। अब हमने ये क्या किया, जो इस तरह से जो मेरी बाल काटे थे ये मेरी गाइडलाइन हो गई, इससे हम मिला के एक्स्ट्रा हेयर कट कर दिया। कितना ईजी है, समझ में आ गया होगा कि हमने पीछे के बालों में मांग निकाली, दो भागों में डिवाइड किया और हमने जो कट किया था उससे बालों उठाए। अब ये मेरी गाइडलाइन होती है, हाथ को हमने ऊंचा किया 49 डिग्री पे और हमने कट कर दिया। पहले हमने 0 डिग्री पे किया इस तरह से, आप देखो जो हमने कट किया था उसी से मिला के हमने ये कट कर दिया, ठीक है। और फिर हमने ये बालों को उठाया और ये हम 45 डिग्री पे ले जाएंगे और फिर एक हम कट कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा होगा। बहुत ही ईजी, आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखिए हम ले गए और ये जितना भी है इस, ये मेरी गाइडलाइन है, उसी से मिलाते हुए एक्स्ट्रा हेयर को हमने कट कर दिया। कितना ईजी, ठीक है। अब ये मेरे इन बालों में हेयर कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये बीच वाली पोनी को लेंगे। अब बीच वाली पोनी को लेने के लिए हम इसको थोड़ा सा, मेरा बैंड लगा है तो लूज़र रबड़ बैंड लगाना चाहिए था। अब क्या करेंगे, पहले हमने इसको अच्छे से सुलझा लिया बालों को और इसको हम ऊपर ले गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर ले जाने के बाद हम जो नीचे का कट किया है उस बाल को इस पोनी से मिला देंगे,
ये देखिए आपकी जो लेंथ आ रही है बस स्ट्रेट आप ले जाके कट कर दो, कितना इजी है। ये हमने लिया और जो नीचे के बाल कट किए थे उससे एक बाल हमने उठाया, इस पोनी के पास ले गए और जितना एक्स्ट्रा आ रहा था वो हमने कट कर दिया। अब ये पोनी हमने खोल दी। मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा, आप देखो कितना अच्छा स्टेप्स आ गया है लेयर्स, और ये काफ़ी स्ट्रेट हेयर में भी बहुत बहुत सुंदर लगता है। अब इसमें भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहले जैसे पहले किया था वैसे फिर डिवाइड किया। अब सारे बालों को हम इस तरह से ऊपर ले गए और जितना एक्स्ट्रा आएगा बस हम कट कर देंगे। इस तरह से ले गए और 90 डिग्री पे हमने जितना भी एक्स्ट्रा है, फिनिशिंग के लिए ये हम कर रहे हैं, इससे अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, नहीं तो कटिंग तो हो गई है। अब बस हम ले गए ऊपर ले जाकर स्प्लिट कर दिया। फिर हमने वही डिवाइड किया था, ये आप चाहो तो क्लिप भी कर सकते हो, हमने डिवाइड करके क्लिप नहीं किया था। तो आप ऊपर ले जाओ और जितना एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है गाइडलाइन के अलावा जो छोटा बाल होगा उससे मिला के जो एक्स्ट्रा बाल दिखते, एक्स्ट्रा बाल का मतलब होता है जो आपका बाल छोटा है उससे जो बड़े बाल होंगे आप उनको कट करोगे, ठीक है। अब ये आप देखो कि इतनी ये कटिंग हो गई। इससे फिनिशिंग के लिए एक बार चेक कर जरूर करेंगे बालों को हम अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे, क्योंकि इनको जो है काफ़ी स्टेप्स कराने हैं, तो इस तरह से हम एक बार और चेक कर लेंगे डिवाइड कर करके। एक बार इधर से भी कर लेंगे तीन पार्ट में करके, और थोड़ा थोड़ा सा जो भी होगा वो हम इस तरह से निकाल देंगे। तो कितनी इजी कटिंग है ये, आपको समझ में आ गई, और कितने सारे लेयर्स आ गए। अगर आप ये स्ट्रेट हेयर कट में भी करते हो तो बहुत ही सुंदर हेयर कट आता है, और लॉन्ग में भी आप जितने भी लॉन्ग हेयर हो आपके क्लाइंट्स के आप रबड़ बैंड हेयर कट कर दो तो काफ़ी खूबसूरत आता है, और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सुंदर हेयर कट आ जाएगा। अब हम ये वाली पोनी लेंगे और इस पोनी को भी हम नीचे से बाल उठाएंगे जो हमने कट किया। पोनी को पहले हम सीधा ले जाएंगे ऊपर, ठीक है, पोनी को ऊपर ले जाकर बिल्कुल स्ट्रेट ले जाएं, पहले अच्छे से बालों को सुलझा लेंगे और इसको हम पूरा ऊपर ले जाएंगे। ये ले गए स्ट्रेट बाल, आपका कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अब हमने नीचे से एक ही बाल उठाएंगे थोड़ा सा और उसको भी हम उसी पोनी से मिला देंगे। ये हमने बाल उठाया और इस पोनी से हमने मिला दिया। अब जितना एक्स्ट्रा आ रहा है आप देखो कितना सारा एक्स्ट्रा आ रहा है वो हम सब कट कर देंगे। ये आ रहा है ये, है ना, आप ये ना सोचो कि इतना सारा कटना है, ये कटेगा ही कटेगा तभी आपका लेयर्स आएगा। ये इतना है और हमने ये मिलाया नीचे से बाल उठाया और ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ आया, ये हमने हाथ में दबाया और ये दिख रहा है आपको, और इससे ही हम मिलाकर पूरा कट कर देंगे। ये पूरा कट हमने कर दिया, काफ़ी थोड़ा बड़ा बाल कटेगा क्योंकि आप स्टेप काट रहे हो तो बड़ा तो कटेगा ही। अब आप पोनी खोल दोगे। अब आप जब आपने पोनी खोल दी तो आप ये देखिए कितना सुंदर हेयर कट आ गया है, कुछ भी मेहनत नहीं लगेगी और आपका 5 या 10 मिनट में हेयर कट पूरा हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा सेक्शन और बहुत ज़्यादा पिंस की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये स्ट्रेट बालों में भी कर सकते हो और आप उसमें भी कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बाल डिवाइड किए थे आगे के, इनको हम खोल लेंगे और पूरा हम आगे ले आएंगे बालों को, ठीक है। इस तरह से हम पूरे बालों को हम आगे ले आए। अब आगे का भी आप देखोगे काफ़ी इजी है। अब हम क्या करेंगे, आगे के बालों को इसमें से भी हम एक पीछे का बाल ले लेंगे जो हमने कट किया है, उसमें से एक बाल हम ले लेंगे। पहले ये हम पीछे के बाल पीछे कर देंगे, आगे के बाल ही हम आगे रखेंगे जो हमने क्लिप किए थे येलो कलर की आपने देखी थी, उन्हीं के बाल हमने खोले और ये हमने पूरे बाल आगे ले लिए और ये हमने घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया और एक पीछे से हमने बाल लिया, सिर्फ एक बाल लेंगे। ये इस तरह से लिया और लेके हम ये देखिए इस तरह से लिया और जो एक ट्विस्ट किया इस तरह से, और जितना भी बाल एक्स्ट्रा आएगा हम उसको कट कर देंगे। कितना इजी है, पीछे से एक बाल लेंगे और उसको हम इससे ट्विस्ट करके कट कर दिया। तो ये आपका आगे का भी बहुत ही इजली में कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टेम्पल एरिया का बिल्कुल मिड का बाल लेंगे और ऊपर ले जाएंगे बिल्कुल, ये हम फिनिशिंग के लिए कर रहे हैं। और अब जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हमने कट कर दिया, ठीक है।
इसी तरह से और उसके नीचे का बाल लेंगे और उसको भी हम सीधा ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि आगे भी हमें ये आपको दिखा कि जो भी एक्स्ट्रा दिखेगा वो हम कट करते चले जाएंगे। जो छोटा बाल होगा आपका, उसके बाद जो आपको बड़े बाल दिखते हैं वो एक्स्ट्रा बाल कहलाते हैं, उनको आपको कट करना होता है। अब हम इधर भी ऐसे ही करेंगे, बालों को ऊपर ले जाएंगे और जितने एक्स्ट्रा दिखेंगे हम कट कर देंगे। इसी तरह हम कान तक लेकर आएंगे और कान तक के सारे बालों को हम पतली पतली लेयर लेते जाएंगे और इस तरह से हम कट करते जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप पिन वगैरह का भी सहारा ले सकते हो। इस तरह से उधर के बाल लेंगे और इधर के बाल लेंगे और जितना एक्स्ट्रा दिखेगा वो हम कट करेंगे। उधर के बाल मीन्स जो हम कट कर चुके हैं उनको मिलाएंगे और जिनको कट करना है उनको मिलाएंगे। जिनको हमने कट कर दिया है उनसे ही मिलाकर हम कट करते हैं, वही गाइडलाइन कहलाती है। जिनको कट कर देते हैं और उनसे मिला के दूसरे बालों को कट करने को ही गाइडलाइन कहते हैं। तो इस तरह से आप ये देखो, फ्रंट का हमने लेयर्स दे दिया है, लेयर विद स्टेप दिया है और बैक से हमने फुल लेयर्स दिया है, तो काफ़ी सुंदर आया है ये पोनी टेल हेयर कट। अब हम इसमें ड्रायर लगाएंगे और आगे का आप चाहो तो इनको जैसा भी शॉर्ट कराना है आपके क्लाइंट्स को तो आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर किसी का फोरहेड चौड़ा होता है तो उसको थोड़े से फ्रंट में आगे फ्रिंजेस निकालने चाहिए तो काफ़ी आपका फोरहेड सही लगेगा। अगर आपका फोरहेड लंबा है और आपका फेस लंबा है तो आप आगे से लेयर्स कट ले लो तो आपके ऊपर काफ़ी सुंदर लगेगा। अगर आपका फेस गोल है तो आप ज़्यादा आगे से लेयर्स ना लीजिए तो आपका फेस और ज़्यादा गोल लगेगा। तो इस तरह से आप अपने फेस के हिसाब से हेयर कट करो, आपका प्रोफेशन जो है आप उस हिसाब से अपना हेयर कट लो तो आपका काफ़ी आपकी पर्सनालिटी में आपका हेयर कट से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और लोग बाल जैसे कटाने को कटा लेते हैं लेकिन उनकी सेटिंग नहीं रख पाते हैं, फिर वही जूड़ा बनाया और कर लिया, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ही अपना हेयर कट लो तो आपको ज़्यादा सूट करेगा। अब हम इसमें ड्रायर लगा देंगे। तो आप जहाँ पर जाते हो पार्लर में कट कराने तो आप पूरा अपना बताइए डिटेल कि मेरा ये प्रोफेशन है, मुझको बाल खोलने हैं कि नहीं खोलने हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना हेयर कट लीजिए तो वो आपके ऊपर सूट भी करेगा। आप ड्रेस कौन सी कैरी करते हो, आप डेली, आप जैसे मेरे से लोग कहते रहते हैं नहीं मैडम आप अपना बॉब कट करा लो, काफ़ी सारे मैसेज भी आते हैं, लेकिन मेरे को पता है कि मेरा जो प्रोफेशन है या मेरे को जो ड्रेसअप है, मेरा साड़ी भी पहनती हूँ सूट भी पहनती हूँ, तो मैं बॉब कट हेयर नहीं करा सकती और मुझको भी थोड़ा सा अपने ऊपर शॉर्ट हेयर कम अच्छे लगते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपकी पर्सनालिटी आपकी क्या है, आपको कैसे हेयर अच्छे। ये इस तरह से बैक में आया है और आप इस तरह से इनका, और ये क्लचर भी इस तरह से लगाएंगे हाफ क्लच, तो काफ़ी सुंदर हेयर कट आएगा। अगर आपको मेरा हेयर कट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खूब सारे कमेंट्स करिएगा। थैंक यू।